ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साध संग जियो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप देच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप देच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ां नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए जो मकान दा गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है ते जो बुनियाद दा प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त दा गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने और जो जड़ां दा प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर दा गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है और जो आत्मा दा प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार दा गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है ते जो निरंकार दा प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य दा उस अरूप दा उस गुप्त दा खेल है तमाशा है। जैसे सागर दे च लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने पर इन्हां लहरां दा पैदा होना इन्हां लहरां दा मिटना सब कुछ सागर दे च है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है ते ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है जाना उसदे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उसदे कोल जाना है ना उसनूं लभना है सिर्फ जागना है सुचेत होना है सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर हैं कि हाजिर हजूर हैं। रविदास कहिंदे ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी ते मैं उसकी तलाश करता रहा खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नू जगाना। धन सोती फिर सद जागंता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हुए पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे आ किसनू रस आउंदा है नहीं पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई है। अखां अधियां जागियां ने अधियां सुतियां हुईयां ने। संसार नूं वेख रहियां ने निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ना परमात्मा नूं सुनदे ने।
शरीर संसार नू स्पर्श कर रहा है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर ते जाग जांदा है, सुचेत हो जांदा है, तो रसना नू भजन दा भी रस आण लग पैंदा है। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जांदा है। उन्हूं जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता। और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा दे च बस जाता है। तो मैं अर्ज करा, जद भी किसी महापुरश नू आत्म गयान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नू पता नहीं होंदा कि वह मिलिया होया, जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उनू पता है कि उते हाथ तो भी नेड़े, उते हाजिर नाजर है। जद कदी इस तरह की उपलब्धि किसे नू होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नू दसा कि हकीकत यह है, असलियत यह है। और कदी कर्म कांड तो उच्चे उठन की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखु नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है। पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती है कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खाण है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे। पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उस दे अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहिंदे ने मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकदे ने, मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहिंदे ने बाजार नू, आप कहिंदे ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा ना। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगम्मी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगम्मी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना। हीरा मिले है बेचना चाहना, मंडी कोई नहीं। पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर दे सत्संग नहीं होंदा, हर जगह सत्संग नहीं होंदा,
गली गली दिच मंदर हैं, सत्संग किधरे किधरे, गली गली दिच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे, सुनिया पईया ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल वजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपा चल दिया पईया ने। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहती। चलो होया घर दे च बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग दे च भी मशीना चल रही ने। रहराज साहब दा पाठ टेप ला दो, असा दीवार दा कीर्तन टेप ला दो, सुनो बस। और किसे हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है, जे सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर दे अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही हो गए। ये भी मैं अर्ज कर दें, मशीन ही हो गए, मशीन दी तरह कि यंत्र दी तरह सब कुछ हो रहा है, जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस दिच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से जो ध्यान नहीं है तो अजे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान दे दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर। इन दो शहरां दे बाजार ने, उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्ह दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का काम शुरू होया। भाई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे दे जौहरी बाजार दे ते अजकल चमड़ा ही बिकदा है, या मोटा मांस बिकदा है, जौहरियां दी दुकानां कोई नहीं। जयपुर दा जिहड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरियां दी खरीद फरोख्त होंदी है, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है, हीरियां दी मंडी, हीरियां दा बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं है, हर जगह नहीं है। हर शहर दी सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर दे च हीरियां दी मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहिंदे ने जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, ते जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इते मूड़ता होगी, इते मूर्खता होगी। हर जगह देते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, जिथे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उथे की बयान करना। तो कबीर कहते ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते ने भ्रमण करद्या करद्या कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग पैंदा है, बाजार लग पैंदा है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर दे सत्संग लग पैंदा है, तो कबीर कहते हैं खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई है। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लभ पै, बाजार ते लभ पै, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां दे च, भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां दे च, गुरु दा कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां दे च, खुदा दी कोई समझ नहीं, खुदा दा कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे ने पारखू ही कोई नहीं,
ते जद पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जद पारखू ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर दे जौरी बाजार देच एक सिंह दी भी दुकान है, वो हीरे मोतियां दा काम करता है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पारक दे गुरुद्वारे 14 रत्ना दी कथा की थी, तो मैनू कहीं लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने, मैं कह नहीं विशेष रूप दे ये नौ आते ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती है। मैनू कह लगे तुसी देखे ने, मैं कह नहीं सारे नहीं देखे। कह लगे अज वक्त कढ़ो मैं थानू दुकान ते लै जाना अपनी, सारे दिखा देना, मेरे कुल सारे ही ने, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान ते पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक दी जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहिंदे ने हीरा लैके मैं बैठ गया, कोई पारखो ही नहीं है, किसी नूं समझ ही नहीं है, नहीं पठन नहीं पारखू। मैं दोहरा दया, आ रहे ने लोकी मस्जिदां च, खुदा दी कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारियां च, गुरु दा कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरां दे च, भगवान दा कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, नहीं पठन नहीं पारखू। आप कहिंदे ने कदी कदाई भ्रमण करदिआं करदिआं किसी बाजार दे पारखू भी मिल जाते हैं, समझ है, पता है सत की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की ने, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर ये दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा दा प्रकाश मनुख दे हिरदे दे च फैलदा है गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख दे अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख दी पहचान गुणा करके है, इहदे च किन्नी क दया है, इहदे च किन्ना क प्रेम है, इहदी दृष्टि दे च कितनी समानता है, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ। ਚਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ, ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भ्रमण करदिआं करदिआं खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया, उन्हूं समझ आया समदृष्टि किसनू कहिंदे ने, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ है, आया ही नहीं बाजार देच, उन्हों परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता, चलो पारखो मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा होवे, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नूं दाद देंदा है तो उसनों जिहड़ी रूहानी खुशी आउंदी है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नूं कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि कुछ बोलां नूं कुछ अखरां नूं तरतीब दे देईए तो कविता दा जन्म हो जांदा है,
आवाज नूं तरतीब दे दईए तो संगीत दा जन्म हो जांदा है, और जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे दईए तो भगती दा जन्म हो जांदा है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चो गया है, सारा मर्यादा दे चो गया है। आवाज नूं मर्यादा दे करना साधना दी लोड़ है, बोलां नूं तरतीब दे करना सीखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है, जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे करना अभ्यास करना पैंदा है, उंज नहीं होंदा। तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जांदी है जद कदी कोई पारखो भी लभ पैंदा है, गल नूं समझदा है, पता है। पर कबीर कहिंदे ने खुशी मेरी फिर निराशा दे बदलदी, क्यों? पारखू है ग्राहक नहीं है, लेना नहीं चाहता, समझते है उसको, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक, वो ग्राहक नहीं है। पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इस दे अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। आप कहिंदे ने कदी कदाई किसी सत्संग किसी शहर किसी मंडी देखदा पारखू भी लभ पे है, ग्राहक भी लभ पे, लेना चाहता है, उहदे अंदर लैण की भी तड़प है, उहदे अंदर लैण की भी खिच है, वह लैना भी चाहता है, वह प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहिंदे बहुत मन खुश होंदा है ते ग्राहक भी लभ पे है। पर आप कहिंदे ने मेरा दुख अपनी थां ते ग्राहक ते लभे है पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे च मंगदा है। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, कहिंदे ने जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए वो कोई खास नहीं आउंदी। पहाड़ दे उपर गीटियां पत्थरों च मिल जाणगे, हीरे ते लभणे पैंदे, संख ते सिपियां सागर दे कंडे उंज लभ पैंदियां ने, मोती ते गहरे तल दे चो लभणे पैंदे ने। जो छेती मिल जाए जल्दी मिल जाए वो चीज कोई खास नहीं आउंदी। एक रब्बी नहीं है मैं। कबीर कहिंदे ने पारखू भी लभ पिया, ग्राहक भी लभ पिया, समझ भी है उसनों, लेना भी चाहता है, मुल नहीं देंदा, नहीं गाहक नहीं मोल। इत्थे कबीर कोल पुछिए फिर मुल की है, भी दस दो मुल की है। तो आप कहिंदे ने कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन अपनी सोचनी, मन अपने विचार, मन अपनी चितवनी ये भेट कर दे। मनुख दे विचारां दे च वाशना है, हंकार है, लोभ है, ये भेट कर दे। गुरु दे विचारां दे च करतार है, प्रेम है, दया है, सील है, संजम है, ये अदला बदली करनी पेगी। ग्राहक की करता है, कुछ पैसे देंदा है, वस्तु ले लेंदा है, इत्थे अपनी मत भेट कर ले, गुरु दी मत ले जा। गुरु दी मत दे च ज्ञान है, तेरी मत दे च अज्ञान है। गुरु दी मत दे च प्रेम है, तेरी मत दे च घृणा है। गुरु दी मत दे च समदृष्टि है, तेरी मत दे च वितकरे ने। गुरु दी मत दे च भगती है, तेरी मत दे च नास्तिकता है। गुरु दी मत दे च निर्वैरता है, निर्भयता है, तेरी मत दे च वैर विरोध ने। ये मत भेट कर, गुरु दी मत ले ले। पर गजब दी गल है, मनुख कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता। एक कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता, अपनी गंदी मत दे के भी उज्जवल मत गुरु दी नहीं लेना चाहता। जबकि गुरु कहिंदा है गुरु की मत तू ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, परिक्षर ते त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नूं अपना मन अर्पण करन दी जाच आ जाए। पहले पहले बच्चा पूरनिया ते लिखदा है, पूरने पाने पैंदे ने, ये सब पूरने पाने ने,
धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने दी जाच आ जाए। और जैसे मन अर्पण कीता परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। तो जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग दा फल मिल गया, सत्संग दी सफलता प्राप्त हो गई, चौली दिच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख, तो गुरु की मत प्राप्त आती है, तो गुरु की मत दे ही परमात्मा है। मनुख की मत दे पदार्थ ने, मनुख की सोचनी दे की है संसार है, पदार्थ ने। गुरु की सोचनी दे परमात्मा है, निरंकार है। मत भेट की अपनी, ले ली गुरु की मत, तो उसे मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत दे ते शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत दे ते दोपहर नू उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना है। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन कि सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे कि ये मन भेट कर देना है, गुरु की मत लै लेनी है, इतने शब्द प्रवान करने। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, ओ महान हीरा, ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिस दी चर्चा, जिस दा जिक्र सतगुरु दी जो है बाणी दे चाहे, सारिया दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। महापुरखां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद। ये पावन अस्थान जिथे मैं देखदा वाकई ये छोटे छोटे बच्चियां दी देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर दी मर्यादा भी है, संगत ते पंगत दा सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।